हेलो एवरीवन। और आप देख रहे हैं सीटीएस चैनल। तो आज आपको मैं बताऊंगा बीएमसी मशीन का फिक्चर कैसे डायल किया जाता है और टर्निंग का चक का रनआउट कैसे सेट किया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और डायलिंग कैसे की जाती है उसकी भी वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सीएनसी में टर्निंग होता है, मिलिंग होता है। इसमें डायलिंग के प्रोसीजर क्या क्या होते हैं आपको आज बताऊंगा और डायलिंग से रिलेटेड एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को देखिए और समझिए, बताऊंगा सही से। देखिए ये पॉइंट्स हैं जो हमको डायलिंग में यूज होते हैं। जैसे डायलिंग करते हैं, डायल का यूज होता है, होल्डर यूज होता है, और उसको प्रोसीजर किस तरह से करना है उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये डायल है। ये डायल 1 माइक्रोन का होता है, 10 माइक्रोन का, 2 माइक्रोन का। ठीक है, ये ज़्यादा भी माइक्रोन में आते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोब है, ये हमारा पिन है। ठीक है, ये डायल है, डायलिंग में यूज होते हैं। ये देखिए होल्डर है, होल्डर के दिखाने के बेस पर जो मेरा ये होता है कि बीएमसी मशीन में होल्डर जानना जरूरी है। कौन सा मशीन में कौन होल्डर लग रहा है, मान लीजिए हर एक मशीन में अलग अलग होल्डर लगता है, जैसे BT30, BT40, BT50। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए BT30 ये अलग अलग होता है, मान लीजिए कि जो ब्रदर की मशीन है उसमें अलग होगा, रोबोटिक ड्रिल है उसमें अलग होगा, AMS है उसमें अलग होगा, तो हाँ से इसमें अलग होता है। तो ये जैसे मशीन होते हैं उस तरह का BT40, BT50 होता है। तो BT30 होता है वो कॉमन होता है, जैसे ये हमारा सेम होता है, BT30 में ये सेम होता है। मशीन के अकॉर्डिंग ये पुल स्टड है, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रदर में अलग होगा, रोबोटिक ड्रिल है उसमें अलग होगा, AMS में अलग होगा, हंस में अलग होगा, तो ये सारी की चेंज होते रहते हैं। उसी तरह BT40 होता है, उसका जो ये BT40 होता है वो हमारा सेम होता है और उसका भी पूल स्टड चेंज होता है। मजाक हो गया, AMS हो गया, आपका हंस हो गया, तो ये सब का अलग अलग चेंज होता रहता है। उसमें भी डाया के अकॉर्डिंग, डाया है, लेंथ है, ये सब चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ये BT50 है, देखिए ये भी होल्डर BT50 है अगर दिख रहा हो तो। ठीक है, HSK ये हमारा मकीनो जो मशीन होता है उसमें स्टूल को यूज करते हैं, पानी कंट्रोलर होता है वो भी। HSK ये टाइप है होल्डर का, मान लीजिए ड्रिल का, ये कटर का हो गया, ये आपका टेप हो गया, ये भी ड्रिल हो गया, ये इसका ड्राइंग है। इसमें भी जो डाया होता है, लेंथ होता है, ये सब इसमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे 65 हो गया, 55 हो गया, 50 हो गया, 35 हो गया, तो ये अलग अलग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देखिए ये डायलिंग जब करते हैं तो टर्निंग पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है और बीएमसी पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। टर्निंग में मैग्नेटिक डायल स्टैंड और डायल का ज़रूरत पड़ता है डायलिंग करते समय। और बीएमसी में जैसे टूल होल्डर हो गया, सी क्लैंप हो गया, डायल हो गया और पिन हो गया। टूल होल्डर हर एक मशीन के अलग अलग होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए ये तो मकीनों का है, और मजाक पे लगाना है तो अलग आएगा, ब्रदर पे लगाना तो अलग आएगा, AMS पे लगाना है तो अलग अलग आता रहता है। ये सी क्लैंप और डायल और पिन ये कॉमन होता है, ये सब जगह यूज होता है। जैसे सी क्लैंप के यूज तब करते हैं जब मान लीजिए बड़ा होल बनाना है, उसके जगह पे सी क्लैंप यूज कर लेंगे। अगर छोटा होल बनाना है तो पिन से भी हो जाता है। अगर सी क्लैंप से करते हैं तो ये हमारा होल बनाने में बहुत जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से, और इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पिक्चर है। आपको एक मैं प्रोसीजर बताऊंगा, अगर आप प्रोसीजर समझ लेंगे तो डायलिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोसीजर होता क्या है। मान लीजिए पिक्चर का बूस है या पार्ट का
आईडीए ओडीए कुछ भी मान लीजिए, ये डायल है। देखिए जैसे ये तो हमारा मशीन में लग जाएगा स्पिंडल में, और इसके इसमें इसको माउंट कर दिया जाएगा, डायल इसमें माउंट हो जाएगा, या पिन को इसमें लगा देंगे उसके बाद डायल को लगा देंगे, सी क्लैंप अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, मान लीजिए कि ये तो हमारा मशीन के स्पिंडल में टूल बांध दिए, डायल भी बांध दिए हैं, तो करते क्या हैं समझिएगा थोड़ा। ये जो उसका सर्कल होता है एक्स वाई में, जहां हमको डायल करना है, मान लीजिए ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, जहां डायल करना वहां तो मशीन को ले जाते हैं। ले जाने के बाद क्या करते हैं कि ऊपर सर्कल बनाते हैं, डायल को घुमा घुमा कर, अगर सर्कल बन गया ठीक है, तो क्या करेंगे, डायल को लाएंगे, एक्स ले लीजिए या वाई ले लीजिए, हमको काम करना है 180 डिग्री पे ही। अगर 180 डिग्री अगर हम जीरो कर दिए तो ये 180 डिग्री ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस या तो इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, हम इधर से करेंगे बताएंगे आपको। मान लीजिए यहाँ पे हम कह के ये तो सर्कल बन गया, क्या करेंगे थोड़ा सा ये प्रोब को अंदर की तरफ पुश करेंगे और जेड में डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक घुमाने पे, मान लीजिए यहाँ पे डायल टच हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, मान लीजिए 20 है, फिर यहाँ से यहाँ घुमाने में 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो मतलब दोनों तरफ टच होना चाहिए डायल, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों तरफ डायल टच हो रहा है तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए टच हो गया, यहाँ पे आ रहा है 20, तो ये हमारा मूवेबल होता है, इसे घुमाएंगे और इसको मान लीजिए 20 आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 20 है या यहाँ 20 है, तो इसको घुमा के यहाँ जीरो कर देंगे, जहाँ मतलब आ रहा है वो उस जगह को जीरो कर देंगे। मान लीजिए यहाँ आ रहा है टच होने के बाद, तो इसको सॉरी जीरो कर देंगे, यहाँ पे जीरो करने के बाद अब घुमाएंगे स्पिंडल को, घुमा कर लाकर यहाँ रोकेंगे। रोकने के बाद यहाँ से और यहाँ तक जाने में जितनी रीडिंग अगर चली डायल में, मान लीजिए कि 0 से 70 आ गया, सॉरी 0 से 70 आ गया, तो क्या करेंगे, कितने माइक्रोन, 70 माइक्रोन हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में ट्रेवल हुआ है डायल में। तो इसका प्रोसीजर होता है कि जितनी दूरी आई उसकी हाफ कर लेते हैं, मान लीजिए 70 आया, तो ये हमारा एक्स है, इसी पोजीशन पे मशीन को रोक के हाफ कर लेंगे, यानी 10 20 30 5 35, एक्स में ही 35 करेंगे, जब एक्स में 35 हो जाए प्रेशर कम करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा जब 35 हो जाएगा तो फिर स्पिंडल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आके देखेंगे 35 आ रहा है कि ना, अगर 35 नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे, 35 नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस कितना है 10 का, फिर एक्स में ही रोक के 10 का डिफरेंस को आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी 40 कर देंगे यहाँ पे, तब घुमा के देखेंगे इस पॉइंट पे 40 हो रहा है कि नहीं, अगर यहाँ 40 हो गया, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो उसको भी हाफ करके मैनेज कर लेंगे। मान लीजिए 40 आ गया, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लाएंगे एक्स, तो हमारा 40 40 यानी हमारे हिसाब से 0 0 हो गया ये, तो वाई पे भी ला के 40 कर लेंगे, प्रेशर देके 40 हो जाएगा, उसके बाद चारों तरफ घुमाइएगा, डायलिंग 0 0 हो जाएगी, और जो रीडिंग मशीन में आया है, जो रिलेटिव होता है, इंक्रीमेंटल होता है, एब्सोल्यूट होता है, ये मशीन होता है, तो जो मशीन में रीडिंग आया उस रीडिंग को नोट करके
वर्क ऑफसेट में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टर्निंग पे कैसे होता है। देखिए टर्निंग पे, सीएनसी टर्निंग पे चक्कू रनआउट सेट करते हैं, सॉरी रनआउट सेट करते हैं, उसमें मैग्नेटिक स्टैंड और डायल की यूज होता है। तो इसमें होता है क्या कि चक को रनआउट सेट करने उसका मास्टर का यूज कर। चलिए अभी एम सी का प्रैक्टिकल वीडियो देख रहे हैं डायलिंग का। देखिए ये डायल को सेट कर रहे हैं, जो कि हमारे होल है उसके अकॉर्डिंग। देखिए प्रोब को ये सर्कल बनाने के लिए कर रहा है। ये जो दो होल है इसमें से एक होल डायल करनी है हमें, तो इनको जेड में नीचे लाएंगे। देखिए सर्कल के एक्स वाई में सेलेक्ट करके देखिए घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमाना पड़ेगा तो हमारा सर्कल बनेगा। सर्कल बनाने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है डायल को। देखिए सर्कल बन गया, चारों तरफ से घुमाया जाएगा, चेक किया जाएगा। सर्कल के मतलब होल के ऊपर उसके किनारा बन जाना चाहिए, अगर बन गया तो 50% डायलिंग कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अब देखिए प्रोब को अंदर की तरफ पुश करके जेड में डाउन किया जाएगा। देखिए डाउन हो गया, होल के अंदर चला गया। देखिए इधर प्रेशर आ रहा है और होल में डाउन कर दिए गए, और इसे घुमा कर देखा जाएगा कि प्रेशर किधर आ रहा है। देखिए ये जीरो कर रहे हैं, एक्स में जीरो कर लिया, और उसके बाद डायल को घुमा रहे हैं। देखिए डायल में दोनों तरफ टच हो रहा है 180 डिग्री पे, इधर भी टच हो रहा है और दूसरे तरफ भी टच होगा। देखिए दूसरे तरफ भी ले जा रहे हैं, दूसरे तरफ भी टच हो रहा है, ठीक है। तो ये कम कर रहे हैं, प्रेशर कम करेंगे। देखिए जीरो कम कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंस आ रही है, जितनी डिफरेंस आ रही कम कर लिया। फिर उधर देखेंगे कि हमारा 10 आया कि ना। देखिए उस साइड में आ रहा है कि ना, तो ऐसे ही करते हैं। तो डायल को डालेंगे 180 डिग्री पे, घुमा के चेक करेंगे एक पॉइंट, और ये 3 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए इधर भी घुमाएं, बेसिकली यही होता है कि एक्स में जीरो कर लीजिए, वाई में ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सीएनसी का बनाऊंगा, जो सीएनसी टर्निंग का है उसका चक्कर रनआउट कैसे सेट करते हैं। ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो उसका बनाऊंगा। तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आए तो जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।